अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप सबका अपना हैरी भाई। आज मैं बड़े दिनों बाद आया हूँ व्लॉग बनाने यार, क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे थे सेकंड ईयर के, और आज मेरा लास्ट पेपर है उर्दू का सेकंड ईयर का, जो कि मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। पढ़ाई नहीं है, मैंने बुक ही नहीं थी मेरे पास। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो मेरी पूरी जिंदगी एक लफ्ज़ डिपेंड करती है, और वो है जो होगा देखा जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। व्लॉग्स मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे, और अब पेपर्स मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे डेली तो नहीं खैर, लेकिन व्लॉग लाजमी पोस्ट करूँगा, ठीक है? और आपने मुझे सपोर्ट करना है। और मैं चलता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, फ्रेश होता हूँ जाकर, ठीक है? और मेरे लिए सब ने दुआ करनी है कि पेपर हमारा अच्छा हो जाए। मेरे लिए ना करो यार, सबके लिए करो, पूरे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं सब के लिए करो, ताकि वो सारे अच्छे मार्क्स से पास हों, ठीक है? अल्लाह उनको कामयाब करे। और आइए चलते हैं, तैयार होते हैं, और मैं आपको रेडी होकर मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ, शावर मैंने ले लिया, कपड़े वगैरह पहन लिए मैंने, और मुझे खाना खाने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी, लेट हो रहा था मैं, और हमारे आत्मवापसी भी ना काफ़ी लेट हो जाती है हमें, तो खाना खाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए भाभी ने मुझे मिल्क शेक बना के दिया, स्ट्रॉबेरी शेक, तो अभी वो पी रहा हूँ मैं, और पीते हैं फिर चलते हैं। घर वालों ने कहा कुछ तो खा के जा, हमारा बच्चा इतना पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, तो कुछ ना कुछ तो खा पी के जाए ना। और उनको क्या पता उनका बेटा कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता, हम बस एक दुआ पढ़ते हैं यार, और वो है रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्यों हिला डाला ना? तो ये टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है, ठीक है? मजेदार, मजा आया। तो मिल्क शेक मैंने पी लिया, काफी मजे का बना था यार, आप लोग भी ट्राई करें, स्ट्रॉबेरी शेक बेस्ट है हेल्थ के लिए, ठीक है? आप लोगों की स्किन के लिए भी बेस्ट है। तो मिल्क शेक मैंने पी ली, और अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ काफ़ी, और मैं अब निकलता हूँ पेपर देने के लिए, लेट हो रहा हूँ मैं, 12:15 हो चुके हैं तकरीबन, हाँ 12:15 तो हो ही गए हैं, और 1:45 तक मैंने वहाँ पहुँचना है, काफ़ी दूर है, आप लोगों को पता है अटक बाज़ार कितना दूर है, और सेंटर के अंदर भी जाना होता है, रिपोर्टिंग टाइम जो है हमारा वो 1 है, इसलिए हमें 1 से पहले अंदर जाना होगा, 1:30 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होगा। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हम सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों से, और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मैं जाता हूँ मम्मी से मिलने के लिए, और फिर मैं चलता हूँ, आप लोगों को मैं बाइक पे मिलता हूँ। हाँ, तो बाइक मैंने निकाल ली है, और मैं लेट हो रहा हूँ काफ़ी, आप पीछे देख सकते हैं मेरे बाइक निकला हुआ है, लेट हो रहा हूँ मैं काफ़ी, मैं चलता हूँ, और आप लोगों को मैं वहाँ पर जाके मिलता हूँ। मैं जा रहा हूँ पेपर देने के लिए, ठीक है? ये शॉर्टकट है, आप देख सकते हैं, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच चुका हूँ यहाँ से मैं, कच्चा रास्ता है, मिट्टी होती है सारी, लेकिन क्या करें, जल्दी पहुँचना है, लेट हो रहा हूँ मैं काफ़ी, तो वहाँ पे जाके आपको मैं मिलता हूँ लाजमी, ठीक है? यहाँ पर मिट्टी है, माउंटेन एरिया समझो यार इसको, इतने खड्डे हैं ना यहाँ पे, चलाना मुश्किल हो जाता है, देखो फिर आप लोगों को मैं वहाँ पर जाके मिलता हूँ, ठीक है? तो फाइनली यार वो रास्ता ख़त्म हो चुका, और अब सुकून वाले रास्ते पे जा रहा हूँ मैं, गिरते गिरते बचूँ अभी, ट्रक आ रहा है सामने, ठीक है? और रेल थी आगे सामने पड़ी थी, टायर स्लिप हो गया, अगर थोड़ा और बेंड होता ना मेरा बाइक तो मैंने गिर जाना था वहीं पे। झूठ बोल रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ, देखिए रोड चल रहा सारा, तो अभी बाहर पहुँच के ना मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ, ठीक है? काफ़ी गर्मी बहुत तेज़ है यार आज, वो हद से ज़्यादा तेज़ गर्मी आज, नहीं बर्दाश्त हो रही गर्मी आज, हालांकि मैं नहा के निकला हूँ फिर भी इतनी तेज़ हवा लग रही मुझे। तो दुआ करना आप सब लोग कि हम सब का पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है? कितनी बुरी किस्मत है यार मेरी, पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है, इतनी गाड़ी गर्मी में पेट्रोल ख़त्म है, तो ललत साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, ख़त्म बिल्कुल, होय 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 होय, देखते हैं क्या होता है, पेट्रोल पंप भी काफ़ी दूर है यहाँ से, कुछ करते हैं इसका, पेट्रोल तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ख़त्म, क्या करें इसका, कोई मदद तो कर दो यार, दूर है पेट्रोल पंप, कहाँ पे जाऊँ मैं,
हमेशा घर से जब भी निकलो ना पेट्रोल चेक करके निकलो। आज मैंने चेक नहीं किया और देखो ये हालत होगी मेरी। नहीं मानता। और ये हमारा हाल है जहाँ हमारे पेपर हो रहे थे और आज हम आजाद हो गए यहाँ से। फाइनली हमारा पेपर एंड हो चुके हैं, हम निकल आए हैं बाहर, पीछे सारे देखें निकल रहे हैं। ये हमारा हॉल था सेंटर और पेपर बड़ा ज़बरदस्त हुआ हमारा, ठीक है। ये हमारे मिल गए सोसाइटी के बंदे। वालेकुम सलाम, सुनाओ जी क्या हाल चाल है, खैरियत हो, कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ। बताओ इजार सर अपने ख्याल, बस भी अच्छा हुआ है, खुशी हो रही पेपर खत्म हुए? बस इतने ना देख रहे थे। कौन सा चापा अल्लाह कामयाब करेगा आप ही। मेरा क्लियर है, क्लियर है। हाँ पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ, बेस्ट हुआ पेपर यार। राइम कैसा हुआ भाई? बहुत ही बस नॉर्मल हुआ है, बढ़ गए अंदर बढ़ना। कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है, सच बात है, अच्छा हुआ है। भाई आप बताओ। आसान पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ है। आसान था तो अभी तशकील पाकिस्तान का कौन पूछ रहा था यहाँ पे? नहीं मैंने तो पाकिस्तान किया है, देख रहे फिर भाई सब मुझ पा रहे काम ऐसे नहीं करते ना कि मुझ गजब बेइज्जती है। उस भाई का पेपर बड़ा गंदा हुआ है इसलिए मुँह छुपाने पे लगा हुआ है। आज हमें ना बहुत खुशी है यार पेपर ख़त्म हुए हैं, तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।